लेसन नंबर 16। अब हम लॉग का जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करेंगे और एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एग्जांपल इस तरह से है, फाइंड लॉग ऑफ 278.23। इसका सॉल्यूशन, स्टेप वन, इसमें देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर हम देखेंगे चार हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2782। ये बात हमने माइंड में रखनी है, इसी के मुताबिक हम काम करेंगे। स्टेप नंबर टू, हमने इसका सी एच फाइंड करना है। नाउ जो नंबर है हमारे पास 278.23, तो बड़ा सिंपल है ये, हमारे पास इसके अंदर देखें डिजिट्स हैं तीन, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, तो ये तीन डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली सी एच जो होगा वो टू होगा। हमने डायरेक्ट इंस्पेक्शन की और सी एच इसका फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर थ्री, अब इसको देखेंगे जो हमारे पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको जरा रीड एड कर लेते हैं नीचे। देखें हमारे पास इस तरह से है कि 2782 है। अब हमने ये फाइंड करना है 27 की रो को यूज करेंगे, 8 के कॉलम को देखेंगे और फिर 2 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो बड़ा सिंपल है, देखें लॉग का टेबल सामने रखते हैं, देखते हैं कहाँ पर है 27। ये रहा 27, ये 27 वाली रो है जहां मैंने स्केल को रखना है। यह हमारे पास 27 की रो है जहां मैंने ब्लू कलर का एरो लगाया है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसको 8 में देखेंगे, 8 के कॉलम में देखेंगे इसको। रो यही रहेगी, 27 की रो को 8 वाले कॉलम में देखेंगे। ये देखें यहां पर ये 8 का कॉलम है, तो यहां देखें इसके नीचे देखते हैं जरा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो 8 का कॉलम होगा उसके अंदर देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है 4440। ये जो नंबर है 27 की रो में है और 8 के कॉलम में है, तो ये 4440 इसको लिख लेते हैं। यहां से फ्रॉम टेबल जो वैल्यू हमको हासिल हुई है 4440, लेकिन इसमें हमने मीन डिफरेंस अभी ऐड करना है, तो उसको भी देखते हैं। जहां पर मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस के लिए हम 2 को देखेंगे, 2 का कॉलम देखेंगे मीन डिफरेंस के लिए। ये देखें स्केल मैंने दोबारा रखा इसके लिए, और जो मीन डिफरेंस है वो 2 का कॉलम है। ये देखें ये 2 का कॉलम है। इसके नीचे जो वैल्यू है उसको देखा जाए अगर, तो वैल्यू 3 आ रही है टेबल में, तो ये बहुत आसान हो गया। 3 लिखा तो यहां से हमारे पास जो मेंटीसा आ गया उसकी वैल्यू आ गई 0.4443 आ गया। तो अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 है जो आखिरी स्टेप है, इसमें हम कंबाइन कर देंगे। स्टेप 4 इसके अंदर कंबाइन कर देंगे, लॉग ऑफ 278.23 इज इक्वल टू सी एच हमारे पास था 2, उसमें प्लस कर देंगे 0.4443, तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा फाइनल 2.443। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया।